जरूरी है भी लोकल का। हमें कोई आदमपुर से बाहर का हो तो बाहर का होता ना नक्का कोला का तो लोकल हम द्वारा नक्कल का प्रदीप होया सितेंद्र होया ये लगा सके नक्का प्रदीप बने वाले के टॉप में चले। आदमपुर विधानसभा सीट जी हां प्रदेश के अंदर चुनावी हवा चल रही है और इस हवा में देखते हैं भाई किसका तंबू उड़ेगा किसका तंबू डटेगा। यहां पर गांव के ग्रामीण के लोग मौजूद है गांव के यहां पर बड़े बुजुर्ग सभी साथी मौजूद है तो राम राम भाई साहब तो जैसे कि चुनावी हवा तो चल चुकी है ऐसे में भाजपा अपना उम्मीदवार उतार चुकी है लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है और चर्चा यह भी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भारी उम्मीदवार को लेकर आ रही है कोई आदमपुर से बाहर का हो तो बाहर का होता नाका कोला का तो एक और चर्चा चल रही है चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने 800 करोड़ के कामों पर वोट मांग रहे हैं इस बार 800 करोड़ कड़े लागड़े मान तो दिखे कौन कड़े लागड़े वो दिखे पूछा तो चलिए एक और सवाल आपसे कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए कौन सा उम्मीदवार बेस्ट रहेगा भाई 40 लोगों ने अप्लाई कर रखा है यहाँ से भी लोकल का होना चाहिए मजबूत होना चाहिए जैसे आदमपुर वाले बहुत जरूरी है नया आदमी ने टिकट मिले नहीं तो दिक्कत ही आओगी। कोई नाम भी तो बता सको नाम सतेंद्र सिंह रहा लोकल का जरूरी है कालू राम पंडित रहे लोकल उम्मीदवार होना चाहिए मंडी में रहा ये भी अच्छे उम्मीदवार है प्रदीप बनी वाला ये उम्मीदवार ही नका लगा सकेगा बाकी बाहर थोप दिया तो फिर कुलदीप की जीत निश्चित ये बात बिल्कुल सही कही है कि भाई लोकल उम्मीदवार ही नका लगा सके। हाँ जी तारा क्या कहना बोलो तारा क्या कहना है हमारा तो सितेंद्र सिंह का तो यार चुनावी हवा चली है इसमें किसका तंबू उड़ा हो भाजपा का उड़ेगा कांग्रेस का उड़ेगा ना तो बता दो नहीं तंबू तो भाजपा का ही उड़ना चाहिए क्यों उड़ना चाहिए काम बढ़िया कौन करेगा काम बढ़िया करे तो फिर दिक्कत ही को नहीं आवा रहा है फिर तो दिक्कत ही को नहीं आवा रहा है। काफी चर्चाएं चल रही भाई यहाँ से कोई भाई IAS चंद्र प्रकाश की या जय प्रकाश के लड़के की भाई कांग्रेस उसने टिकट देवे तो ना जय प्रकाश तो लोकल उम्मीदवार नकल का प्रदीप होया सतेंद्र होया ये लगा सकना का। हाँ जी आपका क्या करना बस ये बताइए हम बता दीप ने और कुलदीप के काम को तो बता दे 800 करोड़ काम देखेगा ये बता मंडी बता हम तो देखे हाथ को नहीं और के पागे चलो ये भाई साहब बताओगे भाई साहब थोड़ा जिक्र करे थे इनसे पूछूंगा मैं। हाँ भाई साहब नमस्कार भाई साहब तो सबसे पहले तो बताओ जो 800 करोड़ के काम पे विधायक जी वोट मांग रहे हैं जनता से 800 करोड़ के काम हुए गए आपका गांव में शहर में हल्का में भाई हमारा तो कम आया कौन नहीं 800 करोड़ का मंडी जरूर होने लग रहे हैं दुकान पर। अच्छा और तो कौन होने लग रहे दुकान पे क्या काम होता है दुकान पर के बराजीकर होने वाला कोठे बनने लग रही है बहुत बढ़िया आ गए बोला कम 800 करोड़ की बनेगी हो उसका 800 करोड़ की भी बन दी हो क्या अंदाजा लगा उसका इस चीज का। तो चलो ठीक है बात छोड़ो मतलब जनता खुश है कौन जनता नाराजगी भी दिखने को मिला है नाराजगी तो सारी जनता में ही है नाराजगी हो रही पूरा हरियाणा में ही है पूरा हरियाणा में हो रही है पूरा लेकिन यहाँ के विधायक से क्या नाराजगी है विधायक से नाराजगी सारी है वो कभी आया कोई नहीं रहा गाँव में नहीं आया कभी आया तो कुलदीप भी कौन लोग नुका फिर भवे ने कुछ जिता दिया तो उपचुनाव में कुलदीप तो उसने आगे कर दिया आगे उसका पोता हो जा कुलदीप का इसने तो आगे राखने हैं तो कड़क के हिसाब लगा था हिसाब यही है कांग्रेस सरकार होगी हरियाणा कांग्रेस कोई बाहर का बंदा लेके खड़े कर दिया फिर उसका कोई फायदा को नहीं कोई फायदा को नहीं कोई फायदा तो लोकल में कौन बढ़िया था लोकल में जिस तरह सतेंद्र हो गया प्रदीप बैनीवाल हो गया या बड़ू पंडित हो गया टोटल मिला के भाई लोकल होना चाहिए आदमपुर हल्का का आदमपुर हल्का का ये गांव में उम्मीदवार आवे के तारा नजदीकी है इनके लिए लोकल उम्मीदवार के लिए बढ़िया है ये ठीक है बढ़िया है ये आवे है कोई कान है मकान है आंदे ही रहिए तो अच्छा तो चलिए हाज भाई साहब ये भाई साहब बात करे वो सही है सर इनकी बात तो सहमत हो पूरा है सारे सहमत है यो एक थोड़ी इतनी नाराजगी कुकुर हो रही तारे भव्यता है नहीं नाराजगी तो आया आवे को नहीं इस बार चुनावी चुनाव दो जी बीजेपी है इतने सारे नहीं है ये करने लग रहे बीजेपी आप आपकी जी कहोगे पार्टी के कांग्रेस ने देना रे भी है बीजेपी ने भी देना रे भी है वो तो जरा वोट तो आवेगा इसे तो कौन भाई
सोई वोट आवे भाजपा वोट तो आने हैं। काम भी कराया जी गाँव में, देखो या सोई फुट की गड़ी है 6 लाख रुपया। अपना बेरा के विधायक कोटा तो है, सरपंच कोटा तो है, ये अरे काली बात हुई थी, ये कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई, आप कह रहे ग्रांट में तो आई है, पता दो कौन सी ग्रांट में हुई है। अरे मन्ना बेरा कोई में तो पूछ सुना ना कि बताओ कोई पत्थर तो पानी इन्हें एक काम करे ना तेल बड़ा गाड़ी हमें दिखो बोले ना क्या विधायक मैंने ना क्या मिन्नो गए खाली पत्थर दिखा दे मैंने जहाँ पे विधायक का नाम लिखे डाउ बोले अभी सुनाई का एक खाली पत्थर दिखा दे। काम करो पत्थर जुलू बाबा, ये विधायक का पहला काम है पत्थर जुलू। देखो जी वो आनी एक पार्क बनवाए है गाँव में, बीजेपी सरकार में बनी है ना, ये बात हो रही है 2 साल में ही तैयार हुए है। और आग मंडी आदमपुर में सीवरेज की लाइन में कितना पैसा लगा आपने बेरा है, 800 करोड़ रुपए बता रहे हैं, और भी चीज में लग गया, हर गांव में 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए करोड़ों रुपए दिए हर गांव में, गांव थोड़े थोड़ी है, कितने गांव में आदमपुर रकम बहुत ज्यादा है। हमने कमा इतने करोड़ रुपये लगा दिए, एक खाली पत्थर तो लग गया होगा, कोई मान ले उद्घाटन हुआ है बड़ा कोई विधायक तो जगह लग रही है, सरपंच काम करो बड़ा पत्थर लगा दे कहीं तो होगा, फिर पांच जगह खड़े देखा यहाँ पा ले 40 ना सा गए ना पद के आते देख क्या भाई। तो चलो ठीक, तो चलो आपका मेन मुद्दा वहाँ इस बार जो चुनावी हवा है इसमें कांग्रेस के 40 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, किसकी नैया पार लग सके, चर्चा चल रही भाई कोई बार तभी लाके टेक सका कांग्रेस भाई। देख जो टिकट लेके कोई आओ उसके बाद हम देखेंगे नैया पार लगे। सोचा भाई ताना लोकल चाहिए कौन सा बढ़िया भाई, दो तीन नाम बता दो या बाहर का बंदा चाहिए भाई, लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, लोकल में चर्चा भी चल रही होगी बढ़िया ना कल का भाई प्रदीप बने वाले के टॉप में चल रहा है, कुकर के चक्कर है कुकर टॉप में चल रहा है, वो टॉप में तो मिलनी है लोगों की काम करे कोई ज्यादा यार उरा का सदांगा बसेवा ने न्यू कोनी भाई इलेक्शन में उरा के फिर दिल्ली जा बैठे कोई वो ठाकर नहीं सहती गड़ी बैठे कोई गड़ी बैठे है वो बापड़ा उरा नाच मंडी में पाजे बैठे ना मैं कदम इंस्टा पे वीडियो वायरल हो है ना वो कम हाथ मिला देखी भी छोड़ो तुम आजकल सोशल मीडिया तो देख सकते हैं भाई साहब का सब सब यही कहना है कि भाई लोकल उम्मीदवार यहाँ पर जनता की पसंद है, आज किसको बोलना कुछ तेरी क्या पसंद है भाई, जो भी जीतते भाई समाज के लेवल में काम किया जाए ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या हुई वो सुलझाई जाए, चुनाव जीतना और ना जीतना तो जनता के डिपेंड करता है, जो जीत ये भाई साहब बता रहे थे चुनाव जीतेगा भाई, तो भाई साहब बता रहे थे विधायक जी के करिए करे हो गए कौन करे भाई, जो देखो जो जीतते है उसने कुछ करे हुआ तो जीतते है, अगर आगे करे नाराजगी है कौन विधायक तेन बता दो सीधा, मैं मेरी पर्सनली मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं लेवल पे काम कर रहा हूँ सामाजिक सिस्टम से बता रहे हैं यहाँ का। तो चलो कौन सा भव्य का मुकाबला में कौन सा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा भाई, पहला भी तो संभावना हुआ है भाई ये मजबूत हो सके, पार्टी जानती है, पार्टी तो कह रहा किसने लेके टेक ये पार्टी जानती है, वो आगे जो पार्टी प्रत्यक्ष होते हैं वो जानते हैं, लोकल उम्मीदवार बढ़िया है कि बारी बढ़िया है भाई, ये तो ये भी कुछ नहीं कह सकते क्या पता पार्टी भी ठीक है भाई साहब आए इनसे बातचीत करूंगा आज, आप भी बताओ इनकी होगी सारी बताओ, जो यहाँ से विधायक जी कह रहे हैं 800 करोड़ के काम कर रहे हैं तो ताना दिखा है कि दरअसल कौन दिखे, बिल्कुल दिखा दिखा कितने कितने थोड़ा गिनाओ, बाईपास काट दिए रोड काट दिए घने वैसे ब्रिज बना दिए, नहीं ये विधायक के काम को नहीं तो ये विधायक के को नहीं विधायक के बताओ तो आप कहते हो सड़क बन गई सरपंच बनवाई है भाई विधायक का नाम सब दोगे हैं ना पुल तो दूसरा चौटाला बना गया फिर दूसरा चौटाला वोट दे दोगे, पुल तो दूसरा चौटाला तो चौटाला ने पीछे दिए थे उसने भी दिए थे वोट दे उसने भी दिए थे उरा नहीं सेंटर का काम है नहीं तो वो भी नहीं गए आगे ना बोले भव्य बिश्नोई करवाया यो कुलदीप बिश्नोई करवाया तो काम सेंटर पत्थर भी लगवा दे कई कई बार तो सरपंच पत्थर लगवा दे देखे मैंने, हाँ बिल्कुल लगवा है तो जो ये वर्कर है तो बिल्कुल लगेगी, कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार पार कर सका 40 खड़े हो रहे कौन सा ही कौन खड़े कौन सा कौन खड़े तो बाहर तो लेना पड़ा गए बीजेपी का कोई अजीब वही गड़े गड़े बीजेपी का कोई अजीब फिर भी टक्कर देनी तो होना चाहिए, टक्कर देनी है 2-3 तो है ये तो भाई देख सकते हैं टोटल मिलाकर यहाँ पर जो जितने भी लोगों के रिव्यू ले गए हैं
तो मैन मुद्दा है कि कांग्रेस से यहाँ से लोकल उम्मीदवार चाहते हैं कि अगर जो भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकता है तो वो लोकल ही कैंडिडेट दे सकता है। यहाँ से जो चर्चाएं चल रही है भारी उम्मीदवार की, लोग खारिज कर रहे हैं और जो कार्य किए हैं वो तो धरातल पर जनता को दिखाई दे रहे हैं। आदमपुर की जनता है तो आदमपुर की जनता को पता है कि किसने कितने कार्य किए हैं। आप लोग अपने विचार कमेंट करें। जय हिंद साथियों।